हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम राजपूत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मिस्ट ऑफिस 365 में, जहाँ हम शेयर करते हैं कुछ ऐसे टिप्स जो आपको यूजफुल रहेंगी आपकी ऑफिस और आपके प्रोफेशनल लाइफस्टाइल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि कैसे आप पिवोट टेबल का यूज कर सकते हैं किसी डेटा की समरी बनाने के लिए या उसको एनालिसिस या चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ स्क्रीन के ऊपर हमारे पास कुछ डेटा है जो कि एक एम्प्लॉय का, लेट्स से एक कंपनी का एम्प्लॉय डेटा है, जिसके अंदर उनकी टाइटल्स हैं, उनके अलग अलग लेट्स से उनकी सैलरीज हैं, उनकी हायर रेट्स, उनकी ऑथेंटिसिटी, काफी अलग डेटा हमारे पास इसमें अवेलेबल है। हम बेसिकली करेंगे ये कि हमें इस डेटा के अंदर से एक रिपोर्ट फाइल करनी है। लेट्स से आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है या आपको कोई तरीके की रिपोर्ट बनानी है, तो आप किस तरीके से बना सकते हैं वो हम इस रिपोर्ट के अंदर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो डेटा है उस सारे कंप्लीट डेटा को हमें सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगा कि इसमें आपको काफी ब्लैंक कॉलम्स का डेटा भी मिलेगा जहाँ पे एक्चुअल के अंदर डेटा है नहीं। तो सिर्फ अपने काम की सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए जिनके अंदर डेटा है, आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी एक सेल के ऊपर आपके जाइए। लेट्स से हम A1 के अंदर है, होल्ड करना है आपको शिफ्ट कंट्रोल, सबसे डाउन में सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको हिट करना है राइट हैंड की, तो आपका सारा डेटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। एक बार आपका सारा डेटा इस तरीके से सिलेक्ट हो जाता है, उसके बाद आपको सिंपली जाना है इंसर्ट। इंसर्ट में जाके आपको क्लिक करना है पिवोट टेबल। पिवोट टेबल पे आपको क्लिक करना है फ्रॉम टेबल रेंज। अब जो है एक्सेल आपसे पूछेगा कि आपको ये एक नई वर्कशीट के अंदर, मींस कि एक नई शीट के अंदर आपको ये जो पिवोट टेबल है वो बनाना है, या फिर आपकी इसी एग्जिस्टिंग शीट के अंदर वो पिवोट टेबल बना देना है। एग्जिस्टिंग शीट के अंदर क्या होगा कि ये इसी के आसपास में एक जगह पे आपको आप जो है उस ग्राफ को सेट कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो है पिवोट टेबल का अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये रिकमेंडेशन है कि आप न्यू वर्कशीट यूज करें। तो हम यहाँ पे न्यू वर्कशीट यूज करते हैं एंड विल सिलेक्ट ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास एक नया स्क्रीन ओपन हो चुका है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको एक पिवोट टेबल की समरी और इस तरफ जो है वहां पे आपको दिखेगा पिवोट टेबल फील्ड्स। बेसिकली जो फील्ड्स है वो आप ही के हेडर के अंदर से कैप्चर हुई है, जो आपका डेटा है उनके हेडर्स जो है उन सारे हेडर्स को यहाँ पे एज ए फील्ड पिवोट के अंदर एक्सेल जो है वो ऐड करके देता है, ताकि आप रिपोर्ट बना सकें। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल हम रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। नाउ हमारा जो डेटा है उसमें से अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास कितने बिजनेस यूनिट है, तो फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस यूनिट को पिक करते हैं और डाल देंगे आप यहाँ पे, ड्रॉप कर देंगे इस कॉलम के अंदर। देन आपको चेक करना है आपके पास डिपार्टमेंट्स कितने हैं, तो आपको सिंपली डिपार्टमेंट को पिक करना है एंड ऐड कर देना रो के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स ऐड हो चुके हैं, यहाँ पे सारे बिजनेस यूनिट्स हैं जो अलग अलग डेटा के अंदर ऐड हो चुके हैं। अब आपको ये जानना है कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इस डिपार्टमेंट के अंदर टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, तो कौन से बिजनेस यूनिट के कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं। आपको सिंपली आपका जो एम्प्लॉय नेम है या फिर एम्प्लॉय आईडी आप यूज कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं और आपको इसे ऐड कर देना है वैल्यूज के अंदर। वैल्यू बेसिकली जो है वो टोटल वैल्यूज को काउंट करता है, तो आपने यहाँ पे वैल्यू में प्लेस किया। जिसे आपने प्लेस किया आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अकाउंट्स के अंदर 21 जो एम्प्लॉयज है वो कॉर्पोरेट के अंदर है, 28 एम्प्लॉयज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 18 एम्प्लॉयज जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, और इस तरीके से आपके जो 1000 एम्प्लॉयज का डेटा है उसका बाइफर्केशन आपके पास बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको ये देखना है कि नहीं हमें डिपार्टमेंट के वाइज नहीं, हमें तो जानना है जेंडर वाइज कि हमारे कितने मेल एम्प्लॉयज कहाँ पे हैं, कितने फीमेल एम्प्लॉयज कहाँ पे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आपको करना ये है कि आपको ये जो जेंडर का फील्ड है इसको आप पिक करके रो के अंदर डाल देते हैं। तो आप जैसे इसको रो के अंदर डालेंगे आप देखेंगे कि एक्सेल ने आपको बाइफर्केट कर दिया कितनी फीमेल एम्प्लॉयज हैं। तो आउट ऑफ 21 अकाउंटिंग के अंदर जो है आपके पास 18 एम्प्लॉयज हैं, मेल 3 एम्प्लॉयज हैं, मार्केटिंग सॉरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 14 है, इंजीनियरिंग में कितने हैं, फाइनेंस में कितने हैं, इस सारा डेटा आपको अक्यूमुलेट करके दे देता है। देन लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से आपको कोई और भी डेटा की जरूरत हो, जैसे आपको एज पता करनी है तो आप यहाँ पे जो है वो एज ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये बताएंगे कि फीमेल के अंदर 25 की एज के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जो है उसके अंदर एक एम्प्लॉय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अकाउंटिंग के अंदर फीमेल है वो 27 की जो एज है उसके अंदर 2 एम्प्लॉय कॉर्पोरेट्स में है, एक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। इसी तरीके से मेल एम्प्लॉयज के डेटा भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें तो आपको एक एम्प्लॉय जो है वो आपको मिलेगा इसके अंदर अकाउंटिंग के अंदर,
और दूसरा जो एम्प्लॉय है आपके पास वो एक्चुअली स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर है। तो इस तरीके से आप बाइफर्केट कर सकते हैं अपनी सारी रिपोर्ट को और अच्छी तरह एक समरी कैलकुलेशन बना सकते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको इस डेटा का समरी जो आपने बनाया है उसको एक ब्यूटीफुल चार्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, एक प्रेजेंटेबल वे में आपको उसको किसी को डिस्प्ले करना है। तो आप सिंपली जो है अपने डेटा टेबल्स को सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे पिवोट चार्ट मिलेगा। तो आप इसके अंदर जो है वो कॉलम यूज कर सकते हैं। ओके करने पे आप देखेंगे कि आपका जो चार्ट है वो यहाँ पे स्क्रीन में ऐड हो चुका है। अब आप यहाँ पे पूरा आपका जो चार्ट प्रेजेंटेबल है उसको बना सकते हैं। इसके अंदर आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं चार्ट के अंदर। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे अगर आप होवर करेंगे तो आपको देखेंगे आपको यहाँ पे वैल्यूज मिल रही है। अब मुझे पता है कि अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट है, देन आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे आपको रिसर्च है, तो आपके जो बिजनेस यूनिट है इन हिसाब से कॉलम्स रेडी हुए हैं। अब अगर आपको यहाँ पे ये जो वैल्यूज मेरे होवर करने पे आ रही है वो आपको टॉप बार पे चाहिए, तो आपको सिंपली प्लस बटन पे क्लिक करना है। प्लस बटन पे क्लिक करके आप जो है यहाँ पे डेटा लेबल्स जो है उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। डेटा लेबल्स को एक्टिवेट करने के बाद आप देखेंगे सारे नंबर्स जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। देन आप इनको बिजनेस यूनिट्स के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। लेट्स से आपको सिर्फ कॉर्पोरेट का डेटा ही शो करना है आपके इसके अंदर, तो आप सिर्फ कॉर्पोरेट का फिल्टर यूज कीजिए। आप देखेंगे सारा का सारा डेटा जो है वो हाइड हो गया है, ओनली कॉर्पोरेट फिल्टर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और आपको पता चल जाएगा कॉर्पोरेट का डेटा किस तरीके से है। लेट्स से आपको सिर्फ कॉर्पोरेट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को चेक करना है तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये है बेसिक वर्जन ऑफ पिवोट टेबल। आने वाली सीरीज में हम देखेंगे एडवांस वर्जन, आप और किस तरीके से ल्यूक्रेटिव इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं पिवोट का यूज करके। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स में हमें बताएं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं। थैंक यू।